जेल से रिहा होने के बाद सपा विधायक आजम खान ने जनतंत्र टीवी से पहली बार खास बातचीत की। विधानसभा में चल रही कार्यवाही को लेकर आजम खान ने कहा कि जनता ने मुझे चुना है, मैं सदन में जाऊंगा, लेकिन सदन में बात रखने का माहौल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जनता की बात सदन के अंदर रखेंगे और सरकार को भी आड़े हाथ लेंगे। वहीं अखिलेश यादव से नाराजगी पर आजम खान ने कहा कि उनसे नहीं है कोई नाराजगी। सदन की अगर बात की जाए तो सदन के अंदर आज आप नहीं जा पाए, आने वाले समय में। बेटा मैं चुना ही इसलिए गया हूँ कि मैं सदन जाऊं, मैं वहाँ अगर मुझे मौका दें तो बात रख सकूं, अगर वहाँ बात रखने का माहौल भी तो हो और कुछ बात रखने से हासिल भी हो। अब तो चाहे पार्लियामेंट हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अब तो माहौल ये बन गया है कि अगर आप सत्ता पक्ष के हैं तो बात रखने का कोई मतलब भी है और नहीं है तो कोई वक्त खराब करना है सिर्फ। जिस तरीके से 27 महीने आपको अंदर रखा गया और जो पूरा जिस तरीके केस लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कुछ नहीं था इसके अंदर। हाँ भाई, जजेस साहिबान ने तो यही कहा कि एक दो मुकदमे तो हो सकता है सही हो सकता है, लेकिन 90 मुकदमे एक शख्स पर सच्चे नहीं हो सकते। मैं उनका शुक्रगुजार तो हूं ही, और अगर उन्होंने मेरी ये कैफियत और ये हालत देख ली होती अब तो मैं बहुत अच्छा हूं, अब तो जिंदा देख रहे हो। काफी कुछ जो है जेल के अंदर भी तमाम वो बातें रही, क्या अखिलेश यादव से कोई नाराजगी या कोई बातचीत? नहीं, कोई नाराजगी, मेरी नाराज होने की हैसियत ही नहीं है। एक इतना टूटा हुआ शख्स, एक इतना मसला हुआ, कुचला हुआ शख्स, इतने मुकदमे, माली तौर पर जो तबाह बर्बाद हो चुका, जिसकी यूनिवर्सिटी का ये हश्र, जिसके बच्चों के स्कूलों को ख़त्म तकरीबन करने की, तो वो अभी तक कमर सीधी करके चल रहा है, ये कम है? मेरे अपने चाहने वालों की इतनी बड़ी तादाद है तो मैं फिर न चाहने वालों को क्यों दोष? तो ये थे आजम खान साहब, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर कहीं भी अपने जनहित के मुद्दे उठा सकते हैं लेकिन सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है, ना कि कोई बातचीत हुई है। तो तमाम उन बातों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और तमाम विषयों को लेकर उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में सदन के अंदर आजम खान ठीक उसी तरीके में दिखेंगे जिस तरीके से पहले दिखते थे। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।